एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमने कर लिए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 मींस बैंकिंग तक। इसमें हमने कवर करी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 जो कि होने वाली है ASAD कॉन्सेप्ट जो कि कैरी करती है 12 मार्क्स। आज का जो चैप्टर होने वाला है ये है हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसे हम कह सकते हैं चैप्टर नंबर 7 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, एडी एंड एएस कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, मीन्स हमारी इकोनॉमी में होल कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है, प्लांट जो डिमांड होती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट सप्लाई हमारे जो इकोनॉमी है उसमें जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्लांट सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, जो कि एक अकाउंटिंग ईयर या कह सकते हैं कि एक ही ईयर के लिए काउंट की जाती है। तो एडी और एएस कॉन्सेप्ट क्या होने वाली है ये हम इसमें करेंगे। देन एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मीन्स एग्रीगेट डिमांड करने वाला कौन कौन है। तो भाई साहब, सबको पता है एग्रीगेट डिमांड करने वाला मैं भी हूं, आप भी हैं, आपके अड़ोसी भी हैं, आपके पड़ोसी भी सब एग्रीगेट डिमांड करते हैं, क्योंकि खाना तो सब खाते हैं ना। तो जो खाना खाता है, जो चीजों को यूज करता है, वो सब क्या होंगे, कंपोनेंट ऑफ एडी, जिसके अंदर आपके पास सी फॉर कंज्यूमर, जो कि आप और मैं कोई भी हो सकता है। उसके बाद में जो आपका जो होता है ना C+I, जो कि प्रोड्यूसर है, जो कि सामान बेचने वाला है या प्रोड्यूस करने वाला है। देन जो गवर्नमेंट है वो, और देन X-M जो कि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है। वो गवर्नमेंट भी बहुत सारे डिमांड करती है, डिफेंस के लिए करती है, लोअर ऑर्डर्स के लिए करती है, स्कूल बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, ये सारे खर्चों के ही काम है। तो जहां से कोई भी पर्टिकुलर ये चार सेक्टर्स डिमांड करते हैं, इसे बोला जाता है एडी, मीन्स एग्रीगेट डिमांड। तो कंपोनेंट क्या क्या हो गए, C+I+G X-M, ये सारे कंपोनेंट जो है हमारे एग्रीगेट डिमांड के होते हैं। तो ये कंपोनेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कंसेप्ट ऑफ एएस एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। देन कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। तो बेटा, कंजप्शन फंक्शन होता है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन में क्या रिलेशन है, तो अब हम थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई साहब, मेरी इनकम बढ़ गई है, तो जैसा मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने कंजप्शन को भी क्या करूंगी, इंक्रीज करूंगी। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरी इनकम 10,000 है, जो कि अब हो गई है 20,000। पहले मैं 100 यूनिट्स मंथ में खरीदती थी, यूनिट्स मतलब 100 चीजें खरीदती थी। अब मैं क्या करूंगी, कम से कम 200 यूनिट्स तो खरीदूंगी, अगर 200 नहीं खरीदूंगी तो 150 तो खरीदूंगी, क्योंकि मेरी इनकम भी बढ़ी है। भाई, मेरी इनकम बढ़ी है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी तो बढ़ेगा। तो ये कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, इसका इनकम का और कंजप्शन का रिलेशनशिप क्या होता है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। आफ्टर दैट सेविंग फंक्शन, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि मेरी इनकम पहले 10,000 थी, फिर मैं 100 यूनिट खरीदती थी, अब मेरी इनकम 20,000 होगी, तो मैं 200 यूनिट नहीं खरीदूंगी तो कितनी खरीदूंगी, 150। तो भाई, जो बीच में पैसा बचा उसको मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो इनकम का सेव के साथ या सेविंग के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम जो है वो सेविंग फंक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। हमारा MPC और APC ये क्या होता है, और MPS और APS ये क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट हम ये सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो मिलते हैं इन सभी कॉन्सेप्ट के डिटेल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।